बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुक विद मरियम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पिज़्ज़ा समोसा। पिज़्ज़ा समोसा बहुत इजी है, ये बहुत जल्दी बनने वाला है, क्योंकि इसके लिए आपको पहले से जो है वो शीट को तैयार नहीं करना पड़ता। बाजार से भी वैसे तो शीट्स मिल जाती हैं, पर इसमें ये होगा कि मैं ब्रेड से ही आपको समोसा पिज़्ज़ा मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत ईजी होता है और बहुत ही टेस्टी ये बनता है और बहुत डिफरेंट रेसिपी है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि ये कैसी आपको लगी और आपकी कैसी बनी। और मैं आपके सवाल होंगे तो मैं आपके सवालों के जवाब भी दूंगी। तो अब हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ, जो जो चीज़ें हमें मुझे चाहिए होंगी। आप 6 स्लाइसेस ये मैंने जो हैं ब्रेड के ले लिए हैं और वेजिटेबल्स ले लिए हैं, आपकी अपनी मर्जी, आप कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 वेजिटेबल्स ले लिए हैं, 1/2 कप अनियन चॉप्ड, 1/2 कप शिमला मिर्च कैप्सिकम चॉप और टोमेटोज 1/2 कप चॉप्ड, ठीक है। और जो चीज़ें और जो चाहिए होंगी वो यहाँ पे मैंने चिकन को श्रेड कर लिया है 1 कप, 1/4 टीस्पून जो नमक, 1/4 टीस्पून आप काली मिर्च डाल के इसको बॉईल कर लेंगे और इसको श्रेड कर लेंगे, ये 1 कप हो है। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे सॉल्ट ले लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर ले लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस ले ली है। पिज़्ज़ा सॉस ये वही है जो मैंने पहले अपनी रेसिपी में अपलोड की थी। 2 तरह की पिज़्ज़ा सॉस मैंने आपको बनाना सिखाई है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, इसकी रेसिपी ज़रूर नोट कर लिएगा और इसको यूज़ करिएगा। ये देखिए स्टोर करके रखी हुई थी मेरे पास और देखिए आज मैंने इसको यूज़ कर लिया। तो आप इसी तरह से ये सॉसेस बना के रख लिया करें अपने फ्रिज में तो आपको बहुत आसानी होगी। तो ये 2 टेबलस्पून जो है वो पिज़्ज़ा सॉस मैंने ले ली है और यहाँ पे मैंने ओरिगैनो पाउडर 1/2 टीस्पून और यहाँ पे मैंने मोज़रेला और चेटर चीज़ दोनों ले ली हैं 1/2 कप और इसको अच्छे से मिक्स कर लिए। अब मैं आपको बताती हूँ इसको बनाना कैसे है। यहाँ पे मैंने एक और चीज़ ली है, वो है ऑयल 2 टेबलस्पून और फ्राइंग के लिए ऑयल अलग। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, उसको थोड़ा सा गर्म भी कर लिया है। इसके अंदर ये मैं ऑयल डाल दूंगी 2 टेबलस्पून और इसके अंदर ये अनियन डाल दूंगी, इसको हल्का सा सॉफ्ट करूंगी। ये देखिए ये सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर ये कैप्सिकम ये भी डाल दूंगी, शिमला मिर्च डाल दी है। अब इसको अच्छे से थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे, ये सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसके अंदर टमाटोस ये भी डाल दूंगी। बहुत क्विक ये बनने वाली रेसिपी है। टमाटो डालने के बाद काली मिर्च, नमक, सॉल्ट एंड सॉल्ट ये डाल के मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से। तो मिक्स करने के बाद मैं ये चिकन भी डाल दूंगी। चिकन डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मैं चाहिए पिज़्ज़ा सॉस अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। फ्लेम ऑफ कर दूंगी मैं और अब इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे, पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी इसमें हमने मोज़रेला और चेटर चीज़ डालनी है, पर हम गरम गरम में नहीं डालेंगे, इसको पहले अच्छे से ठंडा करेंगे और फिर इसके अंदर मोज़रेला और चेटर चीज़ ऐड करेंगे। अब इसको हम ठंडा करने के लिए एक बाउल के अंदर डाल के रख देते हैं। ये देखिए इसको मैंने इस बाउल के अंदर निकाल दिया है और अब इसको ठंडा करने का वेट करूँगी। जब तक ये अच्छी तरह से ठंडा नहीं हो जाएगा तब तक हम इसके अंदर मोज़रेला और चेटर चीज़ नहीं डालेंगे। इसको मैंने साइड पे रख दिया है, इस जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम क्या करते हैं कि ये जो ब्रेड के पीसेस हैं इसको हम कट कर लेते हैं और इसको एक अच्छी सी फॉर्म में ले आते हैं ताकि इसमें फिलिंग कर सकें हम समोसों की तरह। तो पहले हम यहाँ से कट कर लेंगे, कॉर्नर इसके कट कर लेंगे। सारे स्लाइसेस की मैंने कॉर्नर्स काट लिए हैं। अब मैं क्या करूंगी कि एक स्लाइस लूंगी और इसको रोल करूंगी, रोल करके इसको फ्लैट करूंगी। ये देखिए
साइडों से भी बहुत अच्छे तरीके से एक जैसा आपने रोल करना है। ये देखिए इस तरह से आपने इसको सबको रोल कर लेना है और बीच से इसको कट ट्रायंगल शेप दे देनी है इसको यूं। बस सारे पीसेस मैं इसी तरह से कर दूंगी। जो है वो बहुत अच्छे से ठंडी हो गई है। इसके अंदर ये मैं मोज़रेला चीज और चैटर चीज दोनों इसके अंदर डाल दूंगी। ओरिगैनो पाउडर ये डाल दूंगी। आप ओरिगैनो लीव्स भी यूज कर सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। ये देखिए सारे स्लाइसेस को मैंने रोल कर लिया था और हाफ कर दिया है, ट्राइंगल शेप दे दी है। अब आपने इसकी कैसे समोसा बनाना है ये आप देख लें। ये आपने समोसा लिया, ये आपने वो ब्रेड का पीस लिया, इसके ऊपर आपने ये जो बिल्कुल जो सबसे बड़ी वाली लाइन है सबसे पहले उस पर आपने इस तरह से ये आटा लगा दिया। सॉरी मैं आपको बताना भूल गई कि ये मैंने एक टेबल स्पून जो है मैदा या आटा आप कुछ भी ले लें उसके अंदर एक टेबल स्पून पानी डाल के इसकी अच्छी सी एक पेस्ट बना लें, वो हमें यूज़ होगी इसको चिपकाने में। तो आपने क्या करना है, इस तरह से ये लगा दिया आपने इसके साथ और आपने इसकी एक कोन शेप दे देनी है। ये देखिए अच्छी तरह से आपने इसको ये टॉप को भी बंद करना है और ये लाइन्स को भी प्रेस करना है। ये बन गई आपका एक कोन शेप में बन गई है। अब आप इसके अंदर ये जो फिलिंग जो आपने मिक्स की है वो आप डाल दें, जितनी आप हैंडल कर सकते हैं उतनी डालिएगा। थोड़ा सा प्रेस कर ले ताकि नीचे तक चली जाए और फिर आपने दोबारा से इसके ऊपर ये यूं करके दोनों साइडों पे ये बैटर लगा लेना है मैदे का या आटे का, इसको अच्छे से प्रेस कर लेना। ये देखें जब आप इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे तो ये फॉर्म आ जाएगी। अब इधर से मैं थोड़ा सा कट कर दूंगी, ये देखें यहाँ से मैं हल्का सा कट कर दूंगी। ये मैंने इतना सा पीस कट कर दिया है और अब आप ये देखें समोसे की शक्ल आ गई। ये देखें ये पिज़्ज़ा समोसे सारे रेडी हो गए हैं। आप इसी तरह से इनको फ्राई भी कर सकते हैं पर मैं इनके साथ एक और स्टेप करना चाह रही हूँ, वो है कि अंडे और क्रम्स का मैं इसके साथ जो है इसकी कोटिंग बनाऊंगी और फिर इसके बाद इसको फ्राई करूंगी। और ये वही पीसेस होते हैं जो मैंने यहाँ पे ब्रेड के मेरे जो साइडों के पीसेस होते हैं इसको मैं ड्राई कर लेती हूँ और ड्राई करने के बाद इसको ग्राइंड कर लेती हूँ और वो इस फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये इसी तरह से मैं ये इसको यूज़ करती हूँ। तो अब क्या करूँगी मैं यहाँ पे ये समोसा उठाऊंगी, इसके ऊपर पहले अंडा लगाऊंगी और फिर ये ब्रेड क्रम्स, इसको अब साइड पे रखती जाऊंगी। इसी तरह से मैं सारे करूंगी अंडा। ये देखें सारों पे ब्रेड क्रम्स लग गए हैं। अब मैं इनको एक एक ऑयल भी गर्म हो गया, इसको चेक करने का तरीका एक छोटा सा पीस डाल के चेक कर लेते हैं। ये देखें ऑयल परफेक्टली गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर ये सारे समोसे डालूंगी। ये सारे समोसे इसमें डल गए हैं, अब इनको फ्राई करूंगी इसके अंदर चम्मच, अभी एक दो मिनट के लिए नहीं चलाऊंगी। अब इसमें मैं स्पून चलाऊंगी और इसको इसी तरह से फ्राई होने दूंगी थोड़ी देर और। ये रेडी हो गए हैं, अब मैं इनको निकाल रही हूँ। टेस्टी पिज़्ज़ा समोसे रेडी हो गए हैं, आप इसको ट्राई करिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबाइएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।